Today, friends, I have great pride in announcing that Jio has designed and developed a complete 5G solution from scratch. This will enable us to launch a world-class 5G service in India. ये थे मुकेश अंबानी दोस्तों 5G के अनाउंसमेंट कर रहे थे. आने वाले समय में 2021 में आप और हम 5G यूज कर पाएंगे. अब 5G यूज कर पाएंगे का मतलब क्या? मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होने वाली है. आने वाले समय में आपके बिजनेस करने का तरीका, आपके जॉब करने का तरीका, आपके घर में रहने का तरीका भी चेंज हो सकता है. आपका फूड ऑर्डर करने का तरीका चेंज हो सकता है. आपका खरीदने का तरीका चेंज हो सकता है, क्योंकि 5G आने के बाद एक एंटायर शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा, एक रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा. तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स एंड करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास रह सकती है जब 5G आएगा. क्योंकि जब 5G आएगा तो सिर्फ जियो नहीं लेके आएगा, बाकी जो यहाँ पे एयरटेल है, वोडाफोन है, ये सारे भी ट्राई करेंगे कि भैया 5G में कदम रख ले. सो यहाँ पे आने वाले समय में 2021-22 तक हमें यहाँ पे 5G का रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा, जिससे एंटायरली डिफरेंट जॉब्स होंगी, डिफरेंट बिजनेस करने का तरीका होगा. और आज के इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं कि किस तरीके से बिजनेस होगा, किस तरीके से जॉब्स होंगी, क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी है अगर आप फ्यूचर में फ्यूचर के साथ चलना चाहते हैं. तो हे एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, कैसे आप सब? मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में. बात करें जियो 5G को लेके, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, ये बोर्ड एक्सप्लेन करूँ. उससे पहले आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए. सो चलो यार, अभी बहुत बातें होंगी, बहुत सब्सक्राइब हो गया. अब यहाँ पे बात करते हैं 5G को लेके. जो मेन मुद्दा हमारा आज का है, जॉब्स एंड करियर अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्यूचर. सो यहाँ पे देखिए, 4 से 5 बड़े सेक्टर है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं और आपको आने वाले 4-5 सालों में दिख जाएंगे. सो यहाँ पे पहला तो है हेल्थ केयर. अभी क्या रहता है कि हेल्थ केयर में ज्यादातर इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर इंटरनेट का इतना ज्यादा यहाँ पे बोलबाला नहीं है. बट आने वाले समय में जब 5G आ जाएगा, 5G का मतलब क्या? 5G का मतलब स्पीड बढ़ जाएगी और सारी चीजें रियल टाइम में होगी. स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा. तो अभी मान लो, अगर आप एक मूवी डाउनलोड करने में, आपको 1GB की कोई मूवी है, आपको डाउनलोड करने में 5 से 10 मिनट लग रहे हैं 4G में, तो वही 5G में आप लोगों को 1 सेकंड के अंदर हो जाएगी. क्योंकि 4G में आपकी जो स्पीड होती है वो अप टू 200 MBPS तक हम कहते हैं, बट यहाँ पे कई केसेस में किसी की 50 आ रही है, किसी की 70 आ रही है, किसी की 10 आ रही है. सो यहाँ पे यही स्पीड इंडिया में चलती है. बट यहाँ पे 5G में कहा जा रहा है कि स्पीड जो होने वाली है अप टू 20 GBPS तक रहने वाली है. अगर हम इंडिया की बात करें कि भाई इंडिया में 5G आ जाएगा, धीरे भी चल रहा है, अगर 1 GBPS की भी स्पीड दे दे तो भी बहुत ज़्यादा है आज के कंपेरिजन में. तो स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होने वाली है, रियल टाइम में स्पीड होगी. मतलब कोई भी काम है रियल टाइम में हो जाएगा, क्योंकि स्पीड इंटरनेट की इतनी ज़्यादा होगी. और इसी की वजह से हेल्थ केयर में जो है रिमोट सर्जरीज का जो है चलन बहुत ज़्यादा होने वाला है फ्यूचर में. रिमोट सर्जरी का मतलब हो गया कि डॉक्टर अमेरिका बैठा है, पेशेंट इंडिया में बैठा है, डॉक्टर अमेरिका में बैठ के इंडिया के पेशेंट की सर्जरी कर देगा. कैसे करेगा? इसमें देखिए दोस्तों, इसमें एक तो ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी, तो यहाँ पे रिमोट सर्जरी रोबोटिक्स और AI की मदद से पॉसिबल हो जाएगी. अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें सीखनी है आप लोगों ने, अगर आप यहाँ पे आने वाले समय में कंपैटिबल होना चाहते हैं. पहले मैं ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ. दूसरी चीज़ जो है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा फर्क आएगा. आने वाले समय में ड्रोन्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे. लोग अपने घर पे बैठे VR हेडसेट की मदद से ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहे होंगे और यहाँ पे जो है फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे. आने वाले समय में जो लोग कह रहे हैं कि क्या वर्क फ्रॉम होम का जो आपका यहाँ पे चलन बढ़ जाएगा, तो मैं ये कहूँगा वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा, वर्क फ्रॉम एनीवेयर. आप यहाँ पे सड़क पे बैठ के अपनी फैक्ट्री की सारी चीज़ें देख सकते हैं, संभाल सकते हैं. मतलब वहाँ पे आने वाले समय में कोई जगह का रेलेवेंस नहीं रह जाएगा कि आपको उस जगह जाके ही काम करना है, क्योंकि सारी चीज़ें रियल टाइम होंगी, इंटरनेट इतना फास्ट होगा. तो यहाँ पे आप कहीं पर भी बैठ के कहीं का भी काम कर सकते हैं. सो वर्क फ्रॉम होम जॉब ही नहीं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर आप कर सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है. इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है ऑटोमेटिव. ऑटोमेटिव का मतलब आप लोगों को ऑटोमेशन कार्स देखने को मिलेगी, स्मार्ट होम्स देखने को मिलेंगे, जहां पे आप अपने मोबाइल फोन की मदद से सारी चीजें एक्सेसिबल कर सकते हो. अभी भी ये सारी चीजों के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, बट अभी जो है ये जो है यहां पे टेस्टिंग फेज में है. बट आने वाले समय में जो है रियल वर्ल्ड में ये चीजें देखने को मिलेगी. इसके अलावा रिटेल वर्ल्ड में, मतलब रिटेल शॉपिंग करने जाते हैं, तो बहुत सारा यहां पे चेंजेस आने वाला है. शॉपिंग में कैसे चेंजेस आएगा? VR हेडसेट की मदद से आप अपने घर बैठे मॉल में घूम सकते हैं. आप यहां पे जूते आपने लेने हैं तो यहां पे घर बैठे देख लीजिए किस तरीके का जूतों का साइज होने वाला है और आप यहां पे ऑर्डर कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सेक्टर जिसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा वो है एंटरटेनमेंट कैटेगरी का. आज की डेट में इंटरनेट फास्ट होने की वजह से सारी चीज़ें हम अपने फ़ोन में एक्सेस कर पाते हैं, बट इंटरनेट जब बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा तो VR हेडसेट की जो यहां पे संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी. यहां पे आप लोगों ने अगर मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ देखी है तो आप देखते होंगे कि एक वो गूगल लगाता है, गूगल में सारी
चीज़ें नज़र आने लगती है, यहाँ पे मूवीज़ भी चल रही है, अभी भी ये सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी है बट आने वाले समय में और ज़्यादा दिखेंगी। तो ये तो थी दोस्तों कुछ एप्लीकेशंस जहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आप लोगों को चेंजेस नज़र आएंगे ड्यू टू 5G। और भी बड़े बड़े यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं बट ये कुछ मेन थे जो मैंने आप लोगों को बताए। अभी बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पे यू नो 5G के साथ रेडी रहना है तो क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे फर्स्ट चीज़ जो सीखनी है वो है इंटरनेट। आने वाले समय में इंटरनेट का ही बोलबाला होने वाला है, चाहे आपको अपना बिजनेस करना है चाहे जॉब करनी है, अगर आपको इंटरनेट अच्छे से नहीं आता है आप पीछे रह जाओगे। इंटरनेट में क्या सीखना है, इंटरनेट में ये सीखो कि चीज़ें सेल कैसे होती है, चीज़ें काम कैसे करती है, वेबसाइट कैसे बनती है, ऐप कैसे बनती है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं। जो हम आप लोगों को सारी चीज़ें सिखा रहे हैं ना, हम आप लोगों को फ्यूचर रेडी कर रहे हैं क्योंकि आने वाले फ्यूचर में इंडिया जो है इंटरनेट पर ही रहेगा, राइट? तो इंटरनेट अच्छे से सीखना, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करेक्ट है? और इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट वो है बिग डेटा एंड डेटा साइंस, क्योंकि आने वाले समय में डेटा इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे बिग डेटा जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी। डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, डेटा साइंटिस्ट जो है बहुत सारा जो डेटा होता है उसमें से जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है कंपनीज के लिए, बिजनेसेस के लिए, वो निकालते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको बिजनेसेस में या फिर अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। डेटा साइंटिस्ट कैसे बने इससे रिलेटेड चैनल पे वीडियो बने हुए हैं, जाके चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रोबोटिक्स। रोबोटिक्स की बहुत ज्यादा डिमांड होगी क्योंकि यहां पे जो रोबोटिक्स है वो इंटरनेट से कनेक्ट होंगे और आप अपने घर बैठे रोबोट से बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर पाएंगे। इसका एक एप्लीकेशन ये भी है कि यहां पे स्मार्ट सिटीज ज्यादा होंगी, स्मार्ट होम्स होंगे। सो ये आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है 5G का, क्योंकि इंटरनेट रियल टाइम में होगा तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी आप कह सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा यू नो आप कह सकते हैं सेक्टर है जो डेवलप होने वाला है फ्यूचर में। सो यहां पे वर्चुअल रियलिटी की मदद से हमने देखा था कि आप शॉपिंग कर सकते हैं और एंटरटेनमेंट में वर्चुअल रियलिटी घुसने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है आने वाले समय में होंगी और इनकी बातें बहुत ज्यादा होने वाली है। इसके अलावा पांचवें नंबर की जो चीज है जो सबसे ज्यादा डिमांड में होगी वो है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा जॉब्स की डिमांड होगी, बहुत ज़्यादा करियर की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अब यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी पे भी चैनल पे वीडियो बना हुआ है, जाके देख लेना। और यहाँ पे दोस्तों अब लोग सोच रहे होंगे कि कितनी जॉब प्रोड्यूस होने वाली है फ्यूचर में, तो मुझे लगता है आने वाले 5 सालों में यहाँ पे करीबन 2 से 3 करोड़ जॉब जो है ग्लोबली नई प्रोड्यूस होंगी जस्ट फॉर 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अगर इंडिया की बात करूँ तो 3 से 4 लाख 5 लाख जॉब जो है आने वाले समय में क्रिएट हो सकती है, ऐसा कई स्टडीज़ का अनुमान है। कुछ स्टडीज कहती है 2 लाख होंगी, कुछ कहती है 3 लाख होंगी। तो हम एक कलेक्टिव यहाँ पे डेटा ले तो हम ये मान सकते हैं कि 4 से 5 लाख जॉब्स जो है यहाँ पे इजीली प्रोड्यूस होंगी इंडिया में, वो भी आने वाले 5 साल की बात कर रहा हूँ। और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे नई ओपनिंग्स नई रिक्वायरमेंट के साथ आप लोगों के सामने आती रहेंगी। सो अभी आप लोगों ने क्या करना है, अभी यहाँ पे आप लोगों को चीज़ों को सीखना शुरू करना है। अगर आप स्कूल में है तो इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी जो आपको पसंद है वो सीखे, अभी बहुत अच्छा समय है। कॉलेज में है तो सीखना शुरू करें। अगर आप ये सोचते हैं कि कॉलेज की जो मैं डिग्री लेने गया हूँ डिग्री लेके मेरा काम हो जाएगा मेरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, बहुत गलत सोच रहे हो दोस्त। आज की डेट में डिग्री से ज़्यादा ये वैल्यू है कि आप ओवर द टॉप जाके अपने खुद से क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। आज की डेट में इन सारी चीज़ों की बहुत वैल्यू है और मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में हमारा एजुकेशन सिस्टम को भी इन सारी चीज़ों को अपनाना चाहिए, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। बट अभी हो नहीं रहा है वो सारी चीज़ें, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लेवल पर आपको जितना ज़्यादा यहाँ पे गाइड कर पाए। और इसी की वजह से दोस्तों हमने हमारा एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स भी लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, जहाँ पे हम आप लोगों को इंटरनेट से रिलेटेड सारी एप्लीकेशन सिखा रहे हैं, इंटरनेट पे फुल टाइम करियर कैसे बनाना है वो सिखा रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे एक इंटरनेट एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा सारा काम इंटरनेट पे है, तो वो सारी चीज़ें हम आप लोगों को भी सिखा रहे हैं। अगर आप में से कोई मुझसे सीखना चाहता है तो इस नंबर पर कॉल करके सीख सकता है। ये जो कोर्स है वो सभी के लिए है, हिंदी में कोर्स होने वाला है और मुझे लगता है ज़्यादातर लोग सीख के अपना करियर बना पाएंगे, चाहे इंटरनेट पे ब्लॉगिंग हो, यूट्यूब हो, एड्स हो, फेसबुक एड्स हो, सारी चीज़ें हम आप लोगों को डिटेल में सिखा रहे हैं। तो किसी ने आना है तो इस नंबर पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं हमें। इसके अलावा चैनल पे बहुत सारे फ्री वीडियोस है, अगर आप यहाँ पे फ्री में सीखना चाहते हो तो फ्री में भी हमने चैनल पे आप लोगों के लिए वीडियोस बहुत बनाए हैं, जाके सीख लीजिए। सो यहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं सीखोगे लाइफ में पीछे रह जाओगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। आने वाले समय में आप क्या चाहते हैं किस टॉपिक पर वीडियो बने नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख के बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सारे वीडियोज़ भी बना के दे देंगे, राइट? तो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, जल्दी आप लोगों से मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, पसंद आए तो लाइक भी करना।